कम नहीं, परेशानी की हदें बढ़ रही हैं, इन सब से छुटकारा भी तो नहीं, फिर से मुझे बचपन जीना है, अजब सी ख्वाहिश है मेरी। अनदर वीडियो में आकाश कुमार स्वागत है फिर से हमारे नए वीडियो पे। तो अभी बच चुके हैं शाम के 5 और अभी मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के पास क्योंकि वो लोग जा रहा है गोवा, तो हम लोग वहीं पे मिलेंगे और पहले चाय पियेंगे, उसके बाद चाय के साथ डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को कौन कौन जाएगा, कैसे जाएगा, क्या खर्चा होगा, उस हिसाब से मैं जाऊंगा या तो नहीं जाऊंगा। तो जल्दी जल्दी मिलते हैं अभी सीधा स्पॉट पे। तो प्लान में थोड़ा चेंजिंग आ गया, मैं अभी चाय पीने के लिए जा रहा था बट अभी मेरे कुछ दोस्त मिल गया उधर, जैसे भी का काम हो रहा है। अभी मैं आप लोगों को अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। दोस्त लोग सब हाँ बोलो रे। तो अभी काम है तो चलते हैं अभी। और ये प्लान में थोड़ा चेंज हो गया, अभी मैं जा रहा था चाय पीने के लिए बट अभी हमें सारे ईंटों को ऊपर लादना है क्योंकि यहाँ अभी जेसीबी लगेगा, तो यहाँ खेत बनाना है एक, उसके बाद चलेंगे चाय पीने के लिए। अभी पहले इन ईंटों को उठाता हूँ। अरे लड़का सब आन रे, अभी सबसे बच्चों से ईंटा उठाना है, उसके क्योंकि खुदाई चल रही है, उसके बाद जाएंगे चाय पीने के लिए। तो जाना तो ज़रूर है आज क्योंकि बहुत दिन से गया नहीं घर, तो अभी जाते हैं जेसीबी के अंदर, वहाँ से नज़ारे लेते हैं क्योंकि जेसीबी की खुदाई ज़रूरी है। और ये 5 बजे से मैं वेट कर रहा हूँ बट अभी तक जेसीबी की काम ख़त्म नहीं हुई है, तो मैं कैसे जाऊँ चाय पीने। और अभी 6 बजने को आए, इतना शाम को जाना भी थोड़ा दिक्कत होगा। तो हर बार का ऐसा है यार, इतना दिन से ब्लॉग मेरा नहीं आ पा रहा है, रीज़न यही है, जब भी कुछ करने के लिए लिख लो तो बीच में कुछ ना कुछ और काम पड़ जाता है और ब्लॉग बन नहीं पाता। देख सकते हैं हैशटैग जेसीबी की खुदाई, नरेश भैया चलती लेट हो गया आज, ब्लॉग बनाना था लेकिन बना नहीं पाया जिनके चलती, यहाँ जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं बैठ के। ना भेजो ये ककर ब्लॉग डाला, ब्लॉग डालो ये जान ली। आज देख सकते हैं जेसीबी, फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा आप लोग पे बहुत कोई का। अरे रह गया है पर इनका जेसीबी में डीजल ख़त्म हो गया है, कोई बात शोभा देने वाली बात नहीं है, इतना बड़ा गाड़ी में डीजल नहीं है। अभी हम जेसीबी चलाएंगे। दस मिनट का और काम रह गया है, बाउंड्री के अंदर अब जाना है। अभी जेसीबी का सवारी, फर्स्ट एक्सपीरियंस। लगे डर लगो ना भाई साहब। और ये चारों साइड मीटर है, इधर भी मीटर है उधर भी मीटर है, फर्स्ट एक्सपीरियंस। लॉकडाउन में सब एरोप्लेन का सवारी कर रहे हैं और हम जेसीबी का सवारी कर रहे हैं अभी। और ये भी लास्ट काम चल रहा है, इसके बाद सीधा घर। नहीं नरेश भैया के बाद खत्म हो जी तो ने आज दिन भर खत्म कर दिली तू, आधा घंटा काम में रात कर दिली पूरा। इनसे काम करवाना है, इनको पहचान लीजिए, नरेश कुमार जेसीबी नंबर इतना फलाना ढकाना। यूट्यूब पे हम पहली बार बता रहे हैं ऐसा टेक्निक, मिट्टी भरने के लिए पहले इसको काटना है, उसके बाद भी इसको पीछे वाला कोची बोला था नरेश जी, पीछे वाला पॉकेटवा लोडर। हाँ अरे लोडर तो ही लगो ना, बूम है बूम। अच्छा अभी बूम से यहाँ गड्ढा खोदेंगे, उसके बाद लोडर से उस गड्ढे को भरेंगे धक्का मार के, वो भी दिखाएंगे अभी आप लोगों को। फोकस। नाउ अब काम ख़त्म हो गया और काफ़ी टाइम हो गया तकरीबन, तो ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ठीक लगा होगा क्योंकि प्लान जो सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, ब्लॉग बनाना उतना भी आसान नहीं होता आप देख सकते हैं, बहुत ही टाइम देना पड़ता है। तो अच्छा हुआ मैंने उन बच्चों का शॉर्ट्स निकाल लिया था कुछ, तो अगर उन बच्चों का शॉर्ट्स अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। चलिए बाय बाय, मिलते हैं कल के फ्रेश नए वीडियो में।